पंत के बीच पैकेज 7A में लगभग 5 किलोमीटर की एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू हो चुका है। बता दें कि पैकेज 7A पूरी योजना में पहला पैकेज है जिसकी एस्केप टनलों का सबसे पहले ब्रेक थ्रू हुआ है। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि पहाड़ में रेल दौड़ने का सपना जल्द धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में एक के बाद एक टनल तैयार हो गई है। विगत सोमवार को एक और बड़ी एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। जानकारी के मुताबिक पैकेज 7A में आरबीएनएल के अंतर्गत कार्य कर रही मैक्स एचयूएस की टीम ने 5 किलोमीटर के एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सही चलता रहा तो 2025 या 26 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल चलने लगेगी, जो कि उत्तराखंड वासियों का हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से ये हमारा जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का 125 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है, जिसे आने के बाद किया जा रहा है। हम लोग मैक्स एचएस जेवी जो 7.1 किलोमीटर का एस्केप टनल है, कल उसका हमने फाइनल ब्रेक थ्रू किया है। इससे पहले 2 किलोमीटर लंबा जो टनल एस्केप टनल था नरकोटा से खांकरा, उसका ब्रेक थ्रू किया गया था। जो बचा हुआ टनल था कल एस्केप टनल, उसका ब्रेक थ्रू किया गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जियोलॉजिस्ट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और हमें स्थानीय प्रशासन आरवीएल पीएमसी और सभी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। साथ जो एनएटीएम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कोई भी डैमेज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी और फिर भी भगवान की कृपा से इस टनल में बगैर एक्सीडेंट के ये 7 किलोमीटर लंबी, मोर देन 7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण हो गया।